नेपाल क्रिकेट टीम ने आईपीएल में अपना नाम रजिस्टर नहीं किया ना, उसको लेके अभी बहुत ज्यादा बातें चल रही है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो लोग यही पूछ रहे हैं कि यार नेपाल के प्लेयर क्यों नहीं आए, खास करके इंडियन क्रिकेट फैंस जिन्होंने संदीप लामिछाने को 2017-18-19 में देखा था, वो पूछ रहे कि यार संदीप लामिछाने तो नेपाल की तरफ से खेल के गया आईपीएल में, तो उसने इस बार नाम अपना रजिस्टर क्यों नहीं किया। तो देखो गाइस, मैं इसमें ना अपना ओपिनियन दूंगा और मैं एक वैलिड पॉइंट बताऊंगा जिसके वजह से नेपाल के प्लेयर्स ने जो है वो रजिस्टर नहीं किया। देखो, आप सबको पता है कि नेपाल के प्लेयर्स, मतलब आप कह सकते हो, आसानी से रजिस्टर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन नहीं किया। इसका सबसे पहला रीजन तो यह है कि देखो, जैसा कि आप लोग कह रहे हो वो बात 100% सच है कि यार नेपाल के प्लेयर्स हर बार अपना नाम रजिस्टर करते हैं और हर बार जो है वो अनसोल्ड हो जाते हैं आईपीएल में। अगर आपने से पूछो तो इतने ज्यादा प्लेयर होते हैं, उसमें यार नेपाल के प्लेयर को रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। तो सबसे पहला फैक्टर तो यहाँ पे यह है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, कि नेपाल के प्लेयर जो है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ऊपर रखते हैं कि यार ठीक है, हम बार बार एक जगह पे नहीं जा सकते, आप हमें जो है वो नहीं लेते हो फ्रेंचाइज के अंदर, हम लोग बार बार अपना नाम रजिस्टर करते हैं, पिछले 8-10 साल से कर ही रहे, लेकिन एक बार भी जो है आपने हमें मौका नहीं दिया। आप सिर्फ अफगानिस्तान के प्लेयर्स को जो है मौका देते हो, चाहे वहां से कोई भी नए प्लेयर आए उनको मौका देते हो, लेकिन हमें मौका नहीं दिया। ये बात कहीं ना कहीं नेपाल के प्लेयर्स के माइंड में थी और कैन बोर्ड के माइंड में थी, जिसके वजह से हो सकता है एक ये रीजन है कि यार नेपाल के प्लेयर्स ने नाम रजिस्टर नहीं किया। और कहीं ना कहीं ये ऑब्वियसली बात भी है कि यार आप बार बार कहीं पे नाम दोगे, वहां पे अगर आपको रिजेक्शन मिले तो फिर आप जो है वहां पे नाम रजिस्टर नहीं करोगे, चाहे कोई भी बड़ी लीग हो। प्लस इस बार तो और भाई ज्यादा प्लेयर है, 1500 प्लेयर है। अब सोचो 1500 प्लेयर में क्या गारंटी थोड़ी ना थी कि यार नेपाल के प्लेयर को मतलब मान लो चांस मिल ही जाता। अगर मिल भी जाता, हालांकि मैं इस बेसिस पे भी कह रहा हूँ मिल जाता, क्योंकि आपको पता है कि इस साल जब नेपाल की टीम ने 2024 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दिखाई थी तो इंडिया की आईपीएल की फ्रेंचाइज की तरफ से जो है ट्वीट्स आए थे। अगर आप देखोगे तो चेन्नई सुपर किंग, कोलकाता नाइट राइडर, मुंबई इंडियन, दिल्ली कैपिटल जैसे बड़े फ्रेंचाइज जो है उन्होंने ट्वीट्स करे थे नेपाल टीम के ऊपर। ये बात आपको याद होगी 2024 वर्ल्ड कप की बात है जहां पे इंडियन फ्रेंचाइज ने ट्वीट करा था नेपाल के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इंडियन फ्रेंचाइज नेपाल के प्लेयर्स को ऊपर जो है ध्यान रखी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे ये बात है कि यार नेपाल के प्लेयर ने रजिस्टर ही नहीं किया। तो वो देखो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात थी मेरे हिसाब से। इसलिए दूसरा फैक्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि यार, और जो लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं कि क्यों नेपाल के प्लेयर ने रजिस्टर नहीं किया आईपीएल में, तो मैं आपको और बता रहा हूँ नेपाल के प्लेयर का दूसरा रीजन ये हो सकता है रजिस्टर करने का कि यार आप सबको पता है कि इस साल आईपीएल में ना एक रूल बना है, और वो रूल ये है कि अगर आप एक बार आईपीएल में मान लो किसी फ्रेंचाइज में आ जाते हो सोल्ड होने के बाद, तो फिर आप जो है 2 साल तक, मतलब बीच में छुट्टी लेके मैचेस के टाइम में या आईपीएल के टाइम पे आप नहीं जा सकते हो, और अगर आप जाते हो तो फिर आपके ऊपर बैन लग जाएगा 2-3 साल का। तो देखो नेपाल के प्लेयर ने यह भी सोचा कि देखो यार अगर हम मान लो अभी अपना नाम दे देते हैं आईपीएल में, ठीक है, और बाई चांस मान लो हम सिलेक्ट हो गए, बाई चांस मैं एक बता रहा हूं एक, ठीक है, अगले साल नेपाल का T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर है, और जिस टाइम पे वर्ल्ड कप होती है ना, होगी ना, उसी टाइम पे नेपाल का, आप देखो उस टाइम पे T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी है, उस टाइम पे आपका नेपाल का जो है अप्रैल के टाइम पे, अप्रैल मई के टाइम पे जो है वो भी है, आप क्या कह सकते हो उसको, CWC League 2। तो ये एक और रीजन है जिसकी वजह से नेपाल के प्लेयर जो है नहीं जा, मतलब वो करना चाहते, समझ लो CWC League 2, मतलब वहां पे नेपाल के मेन प्लेयर को खेलना ही है, क्योंकि नेपाल की CWC League 2 जो है इस साल बहुत ज्यादा उतनी अच्छी नहीं गई है। तो अगर मान लो उस टाइम पे आईपीएल खेल रहे होंगे, अगर बाई चांस सिलेक्ट भी हो गए होते प्लेयर और आईपीएल खेल रहे होते तो वो फिर नहीं आ सकता था, क्योंकि उनके ऊपर बैन लग सकता था। इसलिए तो ये एक और वैलिड रीजन है जिसकी वजह से नेपाल के प्लेयर्स ने अपना नाम रजिस्टर नहीं किया। ये दो वैलिड रीजन, एक तो देखो सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरा यहाँ पे ये नेपाल के अगले साल मैचेस है, अगर आप कहो तो मतलब ये वर्ल्ड कप का क्वालिफायर है, 2026 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर, प्लस CWC League 2 मैचेस है, श्रीलंका वाला सीरीज है, बहुत सारे सीरीज है, एशिया कप को लेकर जो है क्वालिफायर होने। तो मेरे हिसाब से एक और ये रीजन है। तीसरी रीजन ये है कि NPL अब आ ही चुका है, नेपाल प्रीमियर लीग अब आ ही चुका है, और अच्छे खासे पैसे फ्रेंचाइज दे ही रही है, तो फिर ये भी सोचा होगा कि यार जब अपने घर में ही एक लीग हमारे पास आ गए तो हम क्यों जाए भाई दूसरी लीग में खेलने के लिए, मतलब अपने घर में भाई अपने लीग को बड़ा करेंगे, समझ रहे हो। और दोस्तों ऐसा मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, नेपाल प्रीमियर लीग को लेकर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि आने वाले टाइम में कैसे नेपाल प्रीमियर लीग जो है PSL बांग्लादेशी प्रीमियर लीग, BBL और IPL के टक्कर में आ जाएगी, इसको लेकर मैं एक अगली वीडियो डालूंगा, वो जरूर देखना। तो नेपाल के प्लेयर्स अपनी NPL को जो है प्रमोट करना चाहते हैं। खैर इसको लेकर जो कुछ कहना होगा आपका नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जनरली जानना चाहूंगा आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।